हमीरपुर में ओबीसी बैंक के समीप कूड़े की समस्या गहराती जा रही है और कूड़ा करकट समय पर नहीं उठाए जाने से लोगों को आवाजाही करने में परेशानी हो रही है। हालांकि नगर परिषद को भी कई बार फोन पर शिकायत की जा रही है, लेकिन फिर भी कूड़े को नहीं उठाया जा रहा है। बैंक के समीप ही खाली जगह पर एवीएस कंप्यूटर संस्थान के बाहर कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से आसपास के दुकानदारों को भी कूड़े की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हमीरपुर में ओबीसी बैंक के समीप कूड़े की समस्या गहराती जा रही है और कूड़ा करकट समय पर नहीं उठाए जाने से लोगों को आवाजाही करने में परेशानी हो रही है। हालांकि नगर परिषद को भी कई बार फोन पर शिकायत की जा रही है, लेकिन फिर भी कूड़े को नहीं उठाया जा रहा है। बैंक के समीप ही खाली जगह पर ईवीएस कंप्यूटर संस्थान के बाहर कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं, जिस वजह से आसपास के दुकानदारों को भी कूड़े की समस्या से जूझना पड़ता है। एवीएस कंप्यूटर संस्थान के प्रबंधक चंद्रशेखर त्यागी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से संस्थान के बाहर कूड़े की समस्या बनी हुई है और बार बार शिकायत करने के बाद भी सफाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि कूड़ा बिखरा होने से संस्थान में आने जाने वाले छात्रों को भी परेशानी हो रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि रोजाना सफाई की जाए या फिर यहाँ पर कूड़ेदान को रखा जाए ताकि समस्या का समाधान हो सके। सर, नगर परिषद को कल से फोन कर करके थके, इधर इतना ज़्यादा गंद मचाया हुआ है, कुत्तों ने और कबाड़ इधर इकट्ठा कर देते हैं, निकलना भी मुश्किल हो रहा है, साला बदबू उठी पड़ी है इधर। इससे तो पहले ही ठीक था और कोई सुनवाई नहीं है। कल से फोन कर रहे हैं लगातार, कल से अभी आ रहे हैं 10 मिनट में, अभी आ रहे हैं 10 मिनट में, लेकिन अब तक कोई नहीं आया है। तो नगर परिषद से ये हमारी मांग है कि कचरे का सही तरीके से इसका जो है निस्तारण करो इस समस्या का, या पहले की जैसे डस्टबिन रख दो। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।